नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त हाजिर हूं आपके साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मार्ग दुर्घटना में 4 सैलानियों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रेवल एजेंसी के वाहन से आजमगढ़ होते हुए वाराणसी जाने के दौरान अज्ञात भारी वाहन ने मारी टक्कर। मरने वालों में एक स्त्री और 3 पुरुष शामिल। गंभीर रूप से घायलों को मंडली चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सभी सैलानी नेपाल के काठमांडू के निवासी बताए गए हैं। ये घटना आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र की है। एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में 4 सैलानियों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रेवल एजेंसी की गाड़ी से आजमगढ़ से होते हुए लोग वाराणसी जा रहे थे, इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, जिससे 4 सैलानियों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से घायलों को मंडली चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल आजमगढ़। सर, रात में कुछ एक्सीडेंट के केसेज आए, क्या रहा? जी, शकुंतला देवी 66 साल, राम कुमारी 60 साल और विजय कुमार ड्राइवर है 20 साल का। ये दोनों 4:41 पर सर लगभग आए थे। स्थिति सामान्य है, इलाज चल रहा है और 4 मरे हुए आए थे। सर, चारों मेल मरे हैं? जी सर, बताया गया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।